तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का मुशब ब्लॉग में। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:15। और आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले ईद उल अदहा। और आज सुबह सुबह एकदम एक्साइटिंग एक्साइटिंग बोल देना चाहिए, क्या एकदम मतलब सरप्राइज हमने सुने थे, एक्साइटिंग नहीं सुने थे। सरप्राइज एकदम एक्साइटिंग सरप्राइज था। जो क्या बोलते हैं यार हाँ भाई, मेरे, एक्साइटिंग बोलते जो और तुम बोलती है वो सही। हाँ सरप्राइज हम लोग को ये मिला। सुबह सुबह हम लोग एकदम चौंक गए। 4:30 बजे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम फारूक अस्सलाम। भाई, मुंबई से ही तुम्हें आने के लिए इधर ये आए। बात तो फारूक भाई सीधा मलिकुल मौत बन गए। सीधा 4 बजे रात में दरवाजे पे खड़े, चलो बोले तुम लोग साथ मैं 4:30 बजे आ गया हूँ। में। और ये देखो शबनम मैडम को सुबह सुबह मेहंदी लगा रहे। रात में क्या अच्छा करेंगे बोले थे भाई, इनको। अपने को अपना को यही में मेहंदी लगाने में। और ये देखो यहाँ तो मेहंदी लगा रहे और पूरे पूरे घर को भी लगा रहे साथ में। ये देखो ईद के दिन मेहंदी लगा रही है औरत। ये औरत घसीटना नहीं। नहीं तो देखो, जस्ट महा सो के उठा और अब्बा यहाँ पे उसको बोल रहे हैं मैं आ गया। अब्बा कैसा? मैं आ गया ट्रेन से। एक्सप्रेशन देखा आया मधु महद, तुमसे मिलने को आया मैं। हाँ तुम सो रहे अभी तक? आओ महद पहचाने पहचाने मम्मा, कहाँ कर हब्बू कर रहे क्या? हाँ पहचाना मम्मा नानू को। गुड मॉर्निंग मधु, ईद मुबारक महद। महाद भाई अस्सलाम कबूल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। सलाम करो सलाम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू को सलाम करो महाद। अरे अभी सो के उठा, जरा प्रोसेसिंग पे होने दो उसको। महाद अब्बू को सलाम करो। सलाम। अरे वाह माशाल्लाह, मेरा अब्बा देखो नहा धो के एकदम रेडी। हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो और ढेर सारी दुआ, बहुत सारी दुआएं आपको हमारे लिए। बस अभी तक इनका ही नहीं नहाना हुआ, ये तो एकदम नवाब है। 7 बजे 6 बजे से उठे, पता नहीं क्या कर रहे। गुड्डा तो ये देखिए हमारे माल बाबू भी माशाल्लाह रेडी हो गए। नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है, होने का बैठने का है ना इसी महाद। अरे टकले घोड़ सवार, तेरी घोड़ी वो टोपी गिर गई। घोड़ी बोल रहा महाद, मेरे मेरा बच्चा हीरो दिख रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नखरे, अरे एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, हीरो दिख रहा था। हाँ इधर देख महाद, महाद एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हाँ दादा, अरे 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 बैठते नहीं हमें, पीछे सुबह से बढ़ा बाहर लेके जाओ करके। रोज का जो हरकत है वो तो करेगा जमीन पे बैठेगा। अरे मम्मा कर दिख रही रे माशाल्लाह तू, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरी गोली को, मेरी सोनी को और शबनम भी माशाल्लाह एक नंबर लग रहे हैं। चलो जिसको तो अभी होने जा रहा है मार का फोटो शूट। अरे सीधा रहो एकदम, माँ अब्बा के पास आओ। देखो जितना उसको लाड़ कर नखरे कर, नीचे खेलने दे, नीचे उसको कैसा खेलने देंगे आज। ऐसा ऐसा पेड़ चाले करना पड़ता है इसके साथ। पर फोटो कोई देख लेगा ना, शबनम फोटोग्राफर। अजी अब वो बोल रहा है उसको घुमा के लाओ बाहर। बाहर लेके चलो मम्मा। अच्छा अच्छा एक राउंड मार के लाता हूँ, फिर मैं जाओ। तो आज आप लोगों को बुलाओ, मैंने शबनम ने एकदम मस्त डीसी मारे। इधर घुमाओ माशाल्लाह घूमो। ओ माय गॉड, एकदम कोरियन लेंस। और आज देखो शबनम ने लेंस लगाए, इतने मस्त लग रहे कोरियन। और जब मैं इनको खुश देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। कैसी दिखे अब्बा? बहुत प्यारा। तो हेलो, फिर इसी बात पे मेरी तरफ से आपको छोटा सा। क्या बात है, ईदी है ये? नहीं बाबा ईदी नहीं है, ऐसे ही
ऐसी बस तुमको कुछ देख के कुछ मीठा हो जाए। अच्छा थैंक यू वेलकम। तो देखो अब्बा यहाँ सो रहे और अब्बा ने ये उनको पकड़ा तो अब्बा ने हाथ मार दिए तो बैठ गया। तब से बैठ ही गया, उठा बोलता है बस अब नहीं उठाऊंगा कभी। नए कपड़े की हालत देखो क्या कर रहा है। हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। कचरे वाला आया तो हो माशाल्लाह। तो ये आई मेकअप में नहीं बताई क्योंकि महाद बहुत सतारा था और ये सो गए थे। अब्बा महाद को संभाल रहे थे वरना मैं ये आई मेकअप रोज होती अभी भी चालू है। ए किरकिरा बुड्ढा हो गया तू तो रे। महाद महाद किरकिरी बुड्ढी एक नंबर माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बस से बचाए तुमको। अरे बाप जेब में हाथ तो गया, देखते कितनी आती। जेब में हाथ तो डाल दिया। अब देखो भाई जो निकला तुम्हारा है क्या नहीं। अब बाप पूरा पूरा देखो सब खरड़ वरड़ के समेट उमेट के धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। अरे वहाँ 50 निकली। हाँ चक्कर आएगी बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मुबारक हो। क्या बोले अब्बा सो के उठे हैं, थोड़ा आराम सुकून मिला है। कैसा लगा अब्बा दोपहर में सो के? बहुत अच्छा लगा। मैं खुद आज कई महीनों बाद दोपहर में सोया, इतना सुकून मिला। एक ही घंटा सोया। माँ बहुत सता रहा है, इसको मैं ले जाऊंगा मालोनी। इसको मैं माल लेके जाऊंगा साइकिल के आगे बिठा देना इसको। पैसा दो पैसा दो पैसा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बहुत शाना अब्बा हो। नाना को चिच्ची खाने का पैसा दो। पकड़ो ए महाद। अब्बा के मुंह पे ऐसा ऐसा मारा आ गया। यहाँ पे हम लोग फोटो खींचा रहे हम वहाँ से आए तुम्हारे पास आया। हाँ इधर आओ। हेलो 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 अंकल। ओ महाद अंकल मधु अंकल। तो चलिए फिर अब हमारा सब कुछ हो चुका है, फोटोशूट ये वो, और अभी हम लोग जा रहे हैं। नहीं वाह फोटोशूट मेरे मन का आज बिल्कुल नहीं। अरे जाओ 555 फोटो खींचा और बोलते मेरे मन को नहीं, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता खा के खाया। तो चलिए जाते हैं। पहले जाएंगे बाजी के घर फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। पानी आने वाला है जहाँ नल भी आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि मुझे घर जाके खाना बनाना है, काम हम भी करना है। पानी आएगा तो ठीक वरना देखते हैं। तो चले चलते हैं फिर। तो हम घर आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोश्त का सालन। तो यहाँ पे मैंने बड़े का गोश्त चढ़ा डाली हूँ और यहाँ पे मैं कांदा डाल कर तेज पत्ते के साथ, और इसमें मैंने क्या क्या मसाले डाली आज मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। मैं थोड़ा अलग मसाला डाली इसमें वो बताती हूँ। तो देखिए ये मसाला थोड़ा कलर भी अलग दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने टमाटर मिर्ची कोतमीर लहसुन अदरक सूखा धनिया सूखी मिर्ची ये सब कांदा मैंने पूरा पीस ली। अब इसको बारीक पीस के इसको अभी कांदे के अंदर अच्छे से ऐड करके अच्छा भून लेंगे। और यहाँ पे मैं चेक करती हूँ गोश्त गला कि नहीं गला क्योंकि मैंने 5 सीटी ले ली। अब देखते हैं। और पानी बिल्कुल भी नहीं है तो बोतलें पूरी खाली है, बर्तन वहाँ पड़े हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे दोनों जन नाना नवासा दामाद यहाँ पे लोग का चालू है। दुबई जाने का। ओ माय गॉड दुबई जाके टैक्सी चलाने का। दुबई जाके मैं करण मारूंगा। ये देख लिया मुझे हंस रहा क्या? भागो 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 पकड़ो पकड़ो। तो देखिए कांदा एकदम काला नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। अभी मैं इसमें पूरा मसाला ऐड कर दूंगी। तो मैंने मसाला पूरा डाल दी। अभी इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे मैं वो भी बता देती हूँ। तो इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला आधा चम्मच। अभी इसे अच्छा भून लेंगे। तो देखिए मसाला कितना अच्छे से भून चुका है, तेल एकदम अलग हो चुका है। तो अभी मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और जो भी गोश्त उबाली थी वो इसमें डाल के और अच्छा भूनूंगी। मेरे अब्बा को ऐसा भुना हुआ सालन खाने का था तो मैं ऐसा भून के बना रही हूँ। तो इसमें मैंने गोश्त भी डाल दी। अब इसे अच्छे से मैं
पाँच से छः मिनट अच्छा भूनूंगी, फिर उसमें जितना भी चाहिए हिसाब से पानी डालूंगी। और यहाँ पे मैं साइड में चावल चढ़ा दूंगी और माँ के अबू बोले हैं नान लेके आएंगे। तो आलू एकदम मस्त गल चुका है, गोश्त भी एकदम मस्त हो चुका है। और देखिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी दो हरी सूखी मिर्ची डाली है। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल के मैं इसको 5 मिनट पका के गैस बंद कर दूंगी। कुलचा, तो आज हम लोग ने सालन के साथ ला लिया हूँ मैंने कुलचा, क्योंकि हर बार नान खा के मतलब थोड़ा हो गया था, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कुलचा, क्योंकि इसमें कच्ची रोटी नहीं रहती है, तो मैंने लेके आया कुलचा। कैसा लगा अब्बा कुलचा देख के? बोलते अरे बाबू इतनी बड़ी रोटी। आइए आप लोग भी खाना खाने, और महत बाबू यहाँ खेल रहे हैं। अरे रुको बाबा मत फाड़ो। तो आइए आप सब भी खाना खाने के लिए हमारे साथ। और आज का आप लोगों का दिन कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। अरे अल्लाह ये देखो पूरा फेंक दिया अन्ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पीना हो चुका है और आज का हमारा दिन भी ख़त्म होता है। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हर बार की तरह इस बार भी कर देना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, ड्रीम्स, टेक केयर। माल और शिमर भी सो गए हैं और अभी इस वक्त हो रहे हैं रात के 11:30, और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, कल रात में शिमर पूरी रात सो नहीं गई, इस वजह से आज थोड़ा जल्दी सो गए। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।